वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे आज, फेरिंग्स। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसको दोबारा से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने किन किन चीजों पर डिस्कस किया था, ब्लड सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, नर्व सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा और फंक्शन ऑफ सलाइवा। यानी कि लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ब्लड सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, नर्व सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा और फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो एक बार अपन क्या है इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक क्या था अपना, ब्लड सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, वेरियस ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यानी कि जो अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है, जो आर्टक से अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांच निकलती है वो क्या करती है, अपना जो इसको ब्लड सप्लाई करती है, किसको, सलाइवरी ग्लैंड को। नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, ब्लड सप्लाई के बाद जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न आता है तो वो कौन लेके आता है, एक्सटर्नल जुगलार वेन जो है उसके अंदर क्या है, इसका वीनस ड्रेनेज होता है। देन आफ्टर है नर्व सप्लाई। नर्वस सप्लाई की अगर अपन बात करें तो क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों टाइप से क्या है, नर्वस सप्लाई होती है। यानी कि जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके अंदर नर्वस सप्लाई कैसे होती है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के थ्रू क्या है, यहाँ पे नर्वस सप्लाई होती है। तो जो अपनी पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या करता है, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या करेगा, जो सिक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देगा। और जो सिंपैथेटिक है वो क्या करेगा, अपना जो सिक्रेशन है उसको डिक्रीज कर देगा। तो यानी कि जिस टाइम पे अपने को नीड होती है उस टाइम पे कौन सा स्टिमुलेशन होता है, पैरासिंपैथेटिक होता है। और जिस टाइम पे नीड नहीं होती उस टाइम पे कौन सा स्टिमुलेशन होता है, अपना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। देन आफ्टर अपना पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा का मींस क्या है, जो अपना सलाइवा है उसके अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो जो सलाइवा जो है वो कौन सीक्रेट करता है, अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स और जो स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, जो तो अपनी स्मॉल ग्लैंड्स होगी। देन आफ्टर क्या है, जो म्यूकस सिक्रेट करने वाली जो ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगी, सिक्रेशन करेंगी। कहां पे, अपनी ओरल कैविटी के अंदर। पर डे 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस डेली। यानी कि अबाउट 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर जो सलाइवा है वो उसका प्रोडक्शन क्या है, अपने माउथ के अंदर पर डे होता है। जो कौन सिक्रेट करता है, अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और अपनी जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। देन आफ्टर जो अपना सलाइवा है वो बनता किन किन चीजों से है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल साल्ट, एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, म्यूकस, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबिन्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर।
जो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा है उसके अंदर क्या होता है, जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तीन अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं पैर के अंदर, वो और जो अपन अपनी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, मिलके क्या करेंगी, सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी। कहाँ पे? अपनी जो ओरल कैविटी है, जो अपना माउथ है वहां पे। पर डे कितना सिक्रेशन होता है? 1.5 लीटर जो है सलाइवा का पर डे प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर कंटेंट कौन से होते हैं? वाटर होता है, मिनरल साल्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, म्यूकस होता है, लाइसोजाइम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर अपने पॉइंट है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो जो सलाइवा का सिक्रेशन है वो क्या है? ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल के अंदर रहता है। तो ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल के अंदर क्या होता है? सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक दो टाइप से क्या है अपना नर्व सप्लाई होती है। तो जो अपना पैरासिंपेथेटिक है वो क्या करता है? स्टिमुलेशन को, उस सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो क्या है इसके अंदर पैरासिंपेथेटिक जो नर्व है वो क्या होंगे? वेजोडाइलेशन करेंगे। किसको? जो अपनी डक्ट जो थी जिनसे आसे सिक्रेशन हो रहा है उन डक्ट को क्या करेंगे? वो वेजोडाइलेशन करेंगे। वेजोडाइलेशन करने के बाद क्या है? सिक्रेशन बढ़ जाएगा। सिक्रेशन जो कैसा होगा? वाटरी सलाइवा होगा। इसके अंदर क्या है? लो कंटेंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। पैरासिंपेथेटिक के अंदर क्या होता है? पैरासिंपेथेटिक के अंदर जो अपना स्टिमुलेशन है वो क्या करेगा? वेजो कॉन्ट्रेक्शन करेगा। तो जो अपनी डक्ट जो थी, जो डक्ट थी कहाँ पे? अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो डक्ट प्रेजेंट थी, जो अपने माउथ के अंदर ओपन हो रही थी, वो क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि सिकुड़न पैदा हो जाएगी उनके अंदर। सिकुड़न पैदा होने के कारण से क्या है? वो कम अमाउंट के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करेंगी। और जब वो कम अमाउंट के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन करेंगे तो उनके अंदर क्या है? अधिक मात्रा के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल आएंगे, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ से आएंगे? स्पेशली फ्रॉम द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। जो अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो क्या है? सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल को सीक्रेट करेगी। देन आफ्टर अपना आता है फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के फंक्शन क्या क्या हैं? तो सबसे पहले क्या है? केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस है उनको क्या करती है? केमिकल डाइजेशन करते हैं। टीथ जो है वो क्या करेंगे? मैकेनिकल करते हैं। और ये यहाँ पे जो है केमिकल डाइजेशन कौन करता है? सलाइवा, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो करते हैं। देन आफ्टर क्या है? ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड। जो अपन फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर क्या है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या है वो बोलस मूव इजिली करते हैं। क्लीनिंग एंड ल्यूब्रिकेटिंग, जो अपना माउथ जो है उसकी जो कैविटी है उसको क्या है? सलाइवा से क्या है वो पूरा का पूरा उसमें नमी रहती है और वो पूरा का पूरा क्लीन रहता है और उसमें लुब्रिकेशन से चिकनाहट भी पैदा होती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर क्या होता है? जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या है वो नष्ट हो जाते हैं वहां पे। और अपने जो टेस्ट बर्ड्स जो है वो केमिकल डाइजेशन की वजह से अपने को टेस्ट का पता चलता है। तो ये क्या है अपने फंक्शन है किसके? सलाइवा के। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स को अपन ने कितने भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है? फेरिंग्स जो क्या है अपनी एलिमेंट्री कैनाल का एक क्या है ऑर्गन है। और अपन ने इसको कितने भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है? अपन ने इसको तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले क्या है? नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स होता है और लेरिंजोफेरिंग्स होता है। जो फेरिंग्स है वो क्या है अपना एलिमेंट्री ट्रैक का और जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनका क्या है
पार्ट होता है, और इसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, स्टडी के पर्पज से अपन ने इसको तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला क्या है अपना, नेजोफेरिंक्स होता है, ओरोफेरिंक्स होता है और लेरिंजोफेरिंक्स होता है। ये क्या है, इसके तीन पार्ट होते हैं। ये है अपनी एनाटमी ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की एनाटमी, फेरिंग्स अपने को कैसे दिखता है। तो ये जो अपन ने क्या है, जो फेरिंग्स है ये क्या है अपना, फेरिंग्स है, और इसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया, तीन भागों के अंदर क्या अपन ने डिवाइड कर दिया। कौन सा, नेजो फेरिंग्स हो गया, ओरो फेरिंग्स हो गया और लेरिंजो फेरिंग्स हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसोफेगस, ये क्या है, ट्रेकिया हो गया, ये जो लेरिंग्स है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसमें लेरिंग्स है, लेरिंग्स को तीन भागों में कर दिया, ये एपिग्लोटिस पार्ट हो गया, ये टॉन्सिल्स हो गए, ये अपनी ओरल कैविटी हो गई, ये हार्ड पैलेट हो गया, ये सॉफ्ट पैलेट हो गया, नेजल कैविटी हो गई, ट्यूब हो गई, ये क्या है अपनी फेरिंग्स की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है, जो अपना नेजोफेरिंग्स है वो क्या करता है, अपना जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स आर पासेज कॉमन टू बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपना जो ओरोफेरिंग्स है वो और लेरिंजोफेरिंग्स है ये क्या है, कॉमन ऑर्गन है किसके, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, कॉमन ऑर्गन है। फूड पास फ्रॉम द ओरल कैविटी, फूड क्या होगा, ओरल कैविटी के अंदर आएगा, इनटू द फेरिंग्स, और फेरिंग्स में जाएगा, देन टू द इसोफेगस, और उसके बाद क्या जाएगा अपना, इसोफेगस में जाएगा, और उसके बाद क्या है, कंटिन्यू अदर ऑर्गन के अंदर जाएगा। द वॉल ऑफ फेरिंग्स आर ब्यूट ऑफ थ्री लेयर ऑफ टिश्यू। जो वॉल है किसके, फेरिंग्स के, वो किस कितनी लेयर में बने हुए, तीन लेयर के अंदर बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है, द लाइनिंग मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, मिडिल लेयर और जो आउटर लेयर, ऐसे क्या है ये तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइडेड रहता है। तो जो अपना नेजोफेरिंग्स है वो क्या है, एक अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर क्या है अपना मेन रोल प्ले करता है। ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स हैं ये क्या है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों के क्या है कॉमन ऑर्गन है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या है, फूड है जो अपना ओरल कैविटी में आएगा, ओरल कैविटी के बाद कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद क्या है, इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस में जाने के बाद क्या है, जो इसके इसोफेगस के बाद के जो ऑर्गन है उनके अंदर क्या है वो कंटिन्यू चला जाएगा। नेक्स्ट जो अपने फेरिंग्स जो है वो कितनी लेयर से मिलके बना है, तीन लेयर से मिलके बना है। फर्स्ट क्या आपकी लाइनिंग मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकोसल लेयर है, देन आफ्टर सेकंड मिडिल लेयर है, और थर्ड आपकी क्या है आउटर लेयर है। ये क्या है, इसकी तीन लेयर होती हैं। तो जो सबसे पहले लाइनिंग मेम्ब्रेन या म्यूकोसा जो है वो क्या है, किस किससे बन रहती है, स्ट्रिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, ये किससे बनी हुई रहती है, स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलकर बनी रहती है। कंटिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एंड ओन एंड एंड विद द इसोफेगस एट द अदर, किससे कंटिन्यू रहती है, लाइनिंग ऑफ द माउथ,
जो अपनी माउथ की जो लाइनिंग है, ठीक है, वहां से क्या है वो कंटिन्यूस रहती है। कैसे रहती है? क्योंकि माउथ के बाद जो अपना जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो यही होता है, और जिसका एंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है, वो किससे रहता है? ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है। जो मिडिल लेयर है वो किससे बना रहता है? कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो मिडिल लेयर है वो किससे मिलके बनी है? फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी रहती है। विच बिकम थिनर टुवर्ड्स द लोअर एंड एंड कंटेंट ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। और ये किससे कंटेन रहती है? ब्लड एंड लिम्फ वेसल से क्या है? कंटिन्यू रहती है। आउटर लेयर, आउटर लेयर जो है वो किससे मिलके बनी रहती है? इनवॉल्यूंट्री मसल्स से क्या है? मिलके बनी रहती है। और जो निगलने के अंदर क्या है? हेल्पफुल रहती है। व्हेन द फूड रीच द फेरिंग्स, निगलने के अंदर क्या है? ये हेल्पफुल रहती है। व्हेन द फूड रीच द फेरिंग्स स्वॉलोइंग इज नो लॉन्गर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि फूड जो पहुंच गया तो उसके बाद क्या है? इनके कंट्रोल में नहीं रहता। तीन लेयर हैं। सबसे पहले क्या है? लाइनिंग मेम्ब्रेन है, जो किससे मिलके बनी है? स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलके बनी है। सेकंड क्या है? मिडिल लेयर है, जो किससे मिलके बनी है? फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी है। थर्ड क्या है? आउटर लेयर है, वो किससे मिलके बनी है? इनवॉल्यूंट्री मसल से मिलके क्या है? बनी हुई रहती है। देन आफ्टर अपनी आती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो जो ब्लड सप्लाई है तो कौन करेगा? द ब्लड सप्लाई टू द फेरिंग्स इज सेवरल ब्रांचेज ऑफ द फेशियल आर्टरी, यानी कि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है? जो अपनी फेशियल आर्टरी जो है उसकी जो ब्रांचेज है वो क्या करती है? यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है? फेशियल वेन करती है। और जो फेशियल वेन है वो कहाँ पे जाके कराती है? इंटरनल जुगलार वेन जो है उसके अंदर क्या है वो कनेक्ट होती है। तो ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई कौन कराता है? अपना जो फेरिंग्स है उसको कौन करता है? जो अपनी फेशियल आर्टरी है, जो फेशियल आर्टरी है वो क्या करेगी? इसको फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी। और यहाँ से ब्लड को रिटर्न लेके कौन जा रहा है? वीनस ड्रेनेज के अंदर जो अपनी फेशियल वेन जो है वो क्या करेंगी? रिटर्न लेके जाएंगे। और कहाँ पे? इंटरनल जुगलार वेन के अंदर क्या है वो कनेक्ट रहती है, यानी कि इंटरनल जुगलार वेन की क्या है वो ब्रांचेज होती हैं। नेक्स्ट क्या? अपनी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन करता है? दिस इज फ्रॉम द फेरेंजियल प्लेक्सिस एंड कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक नर्व। फेरेंजियल प्लेक्सिस जो है वो क्या करता है? इसको नर्व सप्लाई करता है फेरिंग्स को। और इसको किस टाइप से होती है? ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के थ्रू क्या है इसको नर्व सप्लाई होती है। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के अंदर जो अपना सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक है वो दोनों की दोनों चीजें आती हैं। तो जो पैरासिम्पेथेटिक जो सप्लाई है वो कौन करता है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और जो वेगस नर्व है अपनी वो क्या करती है? अपने फेरिंग्स को नर्व सप्लाई करती है। किस टाइप से? पैरासिम्पेथेटिक टाइप से। देन आफ्टर क्या? अपना सिंपेथेटिक। सिंपेथेटिक कौन करता है? सर्वाइकल गैंग्लिया जो है वो क्या करता है?
सिंपैथेटिक ट्रैप से नर्व सप्लाई करती है। तो जो अपनी फेरिंग्स की क्या है नर्व सप्लाई जो वो कैसे होती है फेरेंजियल प्लेक्सिस के थ्रू क्या है अपनी नर्व सप्लाई होती है। फेरेंजियल प्लेक्सिस कैसे बनता है अपनी जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है जिसके अंदर क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व जो है वो दोनों प्रेजेंट होती है वो क्या करती है फेरेंजियल प्लेक्सिस का निर्माण करती है। जो फेरेंजियल प्लेक्सिस के अंदर जो अपनी पैरासिंपैथेटिक जो नर्व है वो कौन सी नर्व सप्लाई करती है जो अपनी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और जो वेगस नर्व है वो क्या करेंगी फेरिंग्स को पैरासिंपैथेटिक टाइप से नर्व सप्लाई कराएंगी। सिंपैथेटिक कौन करेगा सर्वाइकल गैंग्लिया जो है वो क्या करेंगी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इसोफेगस। इसोफेगस क्या है ये स्ट्रक्चर है किसकी इसोफेगस की। इसोफेगस के बाद क्या है कौन सा इसोफेगस भी क्या है अपना रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव का क्या है कॉमन ऑर्गन है। इसोफेगस का जो वन एंड है वो किससे कनेक्टेड रहता है अपना फेरिंग से कनेक्टेड रहता है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसोफेगस है वो क्या है एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका डायमीटर कितना होता है 2 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर होता है। इस पोजीशन क्या है इट लाइज इन द मीडियल प्लेन इन द थोरेक्स इन फ्रंट of the vertebral column and behind the trachea and heart. Median plane of the thorax in front of vertebral column और पीछे की साइड में क्या है column behind the trachea and heart. ये क्या है इसकी पोजिशन होती है। कनेक्टेड किससे रहता है फेरिंग से क्या है अपर एंड जो है वो क्या है फेरिंग से कनेक्टेड रहता है और जो लोअर जो है वो किससे कनेक्ट रहता है डायफ्राम से कनेक्ट रहता है ठीक है। और जो किसको ज्वाइन करता है अपना जो स्टमक है उसको क्या है कंटिन्यूस ज्वाइन करता है। इट पास बिटवीन म्यूकस मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम बिहाइंड द सेंट्रल टेंडन एट द लेवल ऑफ 10th थोरेसिक वर्टिब्रा। कहां पे होता है अपनी जो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां तक क्या है सिचुएटेड रहता है। जो इसोफेगस है वो क्या है अपनी 25 सेंटीमीटर की क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसका डायमीटर कितना होता है 2 सेंटीमीटर का क्या है इसका डायमीटर होता है। लोकेशन क्या है जो अपना थोरेक्स है उसके फ्रंट में जो और जो ट्रेकिया है उसके बिहाइंड के अंदर क्या है ये प्रेजेंट रहता है। कंटिन्यूस किससे रहता है एक एंड जो है फेरिंग से कंटिन्यू रहेगा एक एंड जो है वो किससे रहेगा इसका डायफ्राम से और वो डायफ्राम किससे कंटिन्यूस रहेगा स्टमक से। इट पास बिटवीन मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम बिहाइंड द सेंट्रल टेंडन एट द लेवल ऑफ 10th थोरेसिक वर्टिब्रा। इमीडिएटली द इसोफेगस हैज पास थ्रू द डायफ्राम इट कर्व अपवर्ड बिफोर ओपनिंग इन द स्टमक। द शार्प एंगल इज बिलीव टू द वन ऑफ द फैक्टर विच प्रिवेंट रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन टू द इसोफेगस। इसके अंदर क्या है जो शार्प एंगल होता है वो क्या करता है अपने को जो बैक फ्लो होता है उससे क्या करता है प्रिवेंट रखता है। The upper end and lower end of esophagus are closely closed by sphincter muscles. यानी कि जो इसके अंदर दोनों साइड के अंदर अपर और लोअर दोनों के अंदर क्या है स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे
अपने को बैक फ्लो से प्रिवेंट करेंगे। अपर स्पिंचर प्रिवेंट एयर पासिंग इन टू द इसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एस्पायरेशन ऑफ इसोफेजियल कंटेंट। स्पिंचर है वो क्या करते हैं, अपने को रेस्पिरेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, जिससे क्या है कि बैक फ्लो नहीं होता। द कार्डिक और लोअर इसोफेजियल स्पिंचर प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इन टू द इसोफेगस। जो कार्डिक और लोअर इसोफेजियल स्पिंचर है वो क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं उनको बैक फ्लो से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि लोअर जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, स्टमक से कनेक्ट रहता है। देर इज नो थिकनिंग ऑफ द सर्कुलर मसल्स इन दिस एरिया एंड स्पिंचर इज देयर फॉर फिजियोलॉजिकल लाइक दिस रीजन कैन एक्ट एंड स्पिंचर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स। When the intra-abdominal pressure is rise, जब intra-abdominal pressure बढ़ता है उस time पे क्या है, the tone of the lower sphincter muscles increase, जो अपने tone है किसकी, lower sphincter की, वो क्या है, बढ़ जाती है, क्योंकि अगर abdomen का pressure बढ़ेगा तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, जो अपना lower end है उस पे pressure डालेगा, और वहां से इसीलिए कारण क्या है, इसकी जो tone है वो बढ़ जाती है। देर इज एन ए एडिंग पिंचिंग इफेक्ट बाय द कंट्रोलिंग म्यूक मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस। स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस के अंदर क्या है, चार लेयर प्रेजेंट होती हैं। इसोफेगस इज ऑलमोस्ट एंटरली इन द थोरेक्स, थोरेक्स के अंदर एंटर होता है। द आउटर कवरिंग इज द एडवेंटिटा कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। जो आउटर कवरिंग है वो कौन सी है, एडवेंटिटा होती है, किससे मिलके बनी होती है, इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से क्या है, मिलके बनी होती है। सेकेंड नेक्स्ट क्या है, प्रोक्सिमल थर्ड इज लाइन बाय सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथिलियम। जो अपनी प्रोक्सिमल थर्ड जो है वो किससे बनती है, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथिलियम से मिलके बनती है। डिस्टल जो है वो किससे बनती है, क्लोमेरुलर एपिथिलियम से बनती है। और जो मिडिल थर्ड है वो किससे बनती है, मिक्सचर ऑफ द टू, यानी कि दो के मिक्सचर से बनती है। आउटर वो किससे है, एडवेंटिटा इलास्टिक फाइबर टिश्यू हो गई। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्सिमल थर्ड, प्रोक्सिमल थर्ड किससे बनती है, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथिलियम से। डिस्टल क्या बनती है, क्लोमेरुलर एपिथिलियम से बन गई। और जो मिडिल थर्ड है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ दो, यानी कि दो के मिक्सचर से बनती है। देन है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करता है, थोरेक्सिक रीजन ऑफ द इसोफेगस इज सप्लाइड मेनली बाय द इसोफेगस इसोफेजियल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम द आयोटा। अपनी जो आयोटा है उसकी जो इसोफेगस इसोफेगस की जो ब्रांच है, कौन सी, इसोफेजियल जो ब्रांच है आर्टरी, वो क्या करती है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। जो अब्डोमन रीजन है उसको कौन करता है, अब्डोमन रीजन इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी एंड द लेफ्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ द सीलिएक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, वीनस ड्रेनेज करता है फ्रॉम द थोरेसिक रीजन, वीनस ड्रेनेज इनटू द जायगोस एंड हेमिजायगस वेन। जायगोस और हेमिजायगस वेन जो है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है। द अब्डोमिनल पार्ट इज ड्रेन इन टू द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। जो अपना अब्डोमिनल पार्ट है उससे कौन करता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन करता है। और जो वीनस फ्लेक्सिस है, वीनस फ्लेक्सिस है, उसके अंदर जो वीनस ड्रेनेज है वो किस टाइप से होता है, जनरल और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू क्या है वो वीनस ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई जो है वो किस टाइप से होती है, सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक टाइप से होती है। पैरासिंपेथेटिक क्या है, वेगस नर्व करता है। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है,
स्टमक। तो कल अपन किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? स्टमक। थैंक्स टू ऑल।